ओके सर, नमस्ते और नमस्ते अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, आई नीड योर 15 मिनट्स, जहां पे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं स्पेशली सीए फाइनल एएफएम का रिवीजन स्ट्रेटजी, बिकॉज अब सेकेंड थर्ड रिवीजन का टाइम आ गया है। सो ऑब्वियसली कम टाइम में कैसे अपने को मैक्सिमम इफेक्टिव आउटपुट लेकर आना है, इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ए सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अपन लोग ने लाइव बैच में अभी जस्ट किए थे, उसका एक प्रॉपर पीडीएफ रेडी है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है। एंड थर्ड इज आईसीएआई का, मैं लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का आप लोगों को एक मार्किंग स्कीम बता दूं कि कौन से चैप्टर से कितना क्या आया है, एंड उससे एक अपने को जजमेंट आ जाएगा दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रोसीडेड henceforth। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना इफ नॉट सब्सक्राइब, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लाइक द वीडियो सो दैट अदर्स, एंड आपको ऐसी और भी चीजें मिलती रहे मेरी तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने देखो ये जो एक पीडीएफ बनाया है, इस पीडीएफ के अंदर देखो ये मार्क्स वेटेज है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको काम में आएगी। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? इन माय टेलीग्राम चैनल। सो लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फ्रॉम देयर, एंड तक देखना सो दैट और भी जो बेस्ट टिप्स है मैं आप लोगों के लिए एफएम के लिए दे सकता हूँ मैं दूंगा, एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू फॉर इंश्योरिंग दैट यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज। तो मैंने ये आप लोगों के लिए एक शीट दिया है यहाँ पे हर एक चैप्टर का, और जुलाई 21, नवंबर 21, मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, मई 24, मतलब सारी के सारे आ गए। ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको, बट एनीवेज ये पीडीएफ आप लोग एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना सो दैट यू कम टू नो दैट द वेटेज इज वेरी इवनली डिवाइडेड। मतलब ऐसा है ना कि आप लोग अगर नोट करोगे ना तो हर अटेम्प्ट में एक या दो मैक्सिमम चैप्टर इंस्टीट्यूट छोड़ता है। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने छोड़ा था फॉरेक्स, बट अगर आप उसके पहले वाले अटेम्प्ट देखो 18, 12, 8, 8, 16, सो दैट्स हाउ इट इज। फिर बाद में अगर आप लोग नोट करते हो तो पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटाइजेशन है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है, ये सब में से हर एक चैप्टर में से एग्जाम में आने ही वाला है। मैंने ये बार आप लोगों को देखो एमटीपी का भी कुछ क्वेश्चंस करवाया, अगर आप लोग एमटीपी भी नोट करते हो देन यू विल सी दैट इसमें भी जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का है, फिर म्यूचुअल फंड का है, एंड देन यू विल सी दैट डेरिवेटिव्स ऐसे है, वैल्यू एडेड रिस्क, तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया, हियर यू हैव कवर रेट, तो मतलब फॉरेक्स से आ गया। हर एक चीज को इंस्टीट्यूट ने ध्यान रखा, एडवांस कैपिटल बजटिंग, एंड 80 मार्क्स का ऑलमोस्ट आ ही जाता है सबसे, मेकिंग इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कवर एवरीथिंग। आइए कुछ ध्यान की पॉइंट्स की बात करते हैं। चलो ये मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा कुछ चीजें, उसके पहले मेरे को डिस्कस करना है स्ट्रेटेजी नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए। सो देखो अपने टोटल सब्जेक्ट को है ना चार फेज में ऐसे डिवाइड कर दो, सो दैट इज हाउ इट शुड बी। फिर मैंने 1.5 डेज में आपको ये कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस क्या रखना है, एक एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को बता दी है। सो जस्ट फॉलो दिस प्रॉपरली, पीडीएफ एकदम प्रॉपरली अपने पास सेव कर दो, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टिल दी एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या रखना है अपने को, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे जाओ, बिकॉज उसमें से हर अटेम्प्ट में बॉस 12 से 15 मार्क आना ही आना है, सो व्हाई लीव दैट। फिर बाद में आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इस यू नो यू विल बी सरप्राइज टू नो इसमें मर्जर्स एंड एक्विजिशंस से भी हर अटेम्प्ट में आता है। इसके लिए मैंने ना ये वाला पूरा एक बनाया so that we come to know that how things are working. अब ये देखो ये mergers and acquisition है, इसको मैं highlight कर रहा हूँ। There is not even a single attempt जब mergers and acquisitions नहीं पूछा है, there is not even a single attempt जब portfolio नहीं पूछा है, not a single attempt जब mutual fund नहीं पूछा है। तो इसके लिए जब इसमें से institute पूछने ही वाला है, ये देखो मैं highlight कर देता हूँ यार, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखो एवरी अटेम्प्ट में ये चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ आता ही आता है। सो वेन वी नो दिस Why to leave it? तो इसके लिए देखो मैंने ये मेरे फेज वन में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को रखा है। यूजुअली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पब्लिक नहीं करता है, स्टार्टिंग में अवॉइड करता है, बट ऐसा अपने को करना ही नहीं, अपने पास तो पूरा रिविजन सीरीज रेडी है गाइस, राइट? सो यूज दैट एंड डू थिंग सिस्टमैटिकली। फिर बाद में आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, कैपिटल बजटिंग इंस्टीट्यूट का नया चैप्टर है तो 100% पूछेगा। अगेन डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटाइजेशन, अगेन ये मेरा रिसर्च बोलता है दैट इसमें से आता ही आता है एग्जाम में, और मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके लिए ये बनाया है, एंड दैट इज वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगेन डेरिवेटिव्स देखो कभी कभी 18 मार्क के लिए भी आ जाता है,
12 मार्क के लिए भी आ जाएगा कभी कभी, 16 मार्क के लिए भी आ जाएगा कभी कभी। सो डेरिवेटिव्स बॉस एकदम ध्यान से उसको करना है, प्लस फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स भी आ गया तो यू नो फॉरेक्स भी है, करेंसी फ्यूचर्स, तो वी हैव टू डू डेरिवेटिव्स इन अ प्रॉपर मैनर। स्टार्टअप फाइनेंस है, सॉरी सिक्योरिटाइजेशन है, अगेन सिक्योरिटाइजेशन इज आस्क्ड ऑलमोस्ट इन एवरी अटेम्प्ट, 4 मार्क का तो फिक्स्ड वेटेज है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है ना, भारी चैप्टर है, कभी 24 मार्क का, कभी 16 मार्क का, 16 मार्क का, मतलब अगर आप लोग वेटेज वाइज देखोगे ना, मैं आप लोगों को बोलू तो दैट हैज द हाईएस्ट वेटेज। सो दैट इज वेयर यू हैव टू डू थिंग्स इन द सेकेंड फेज। थर्ड फेज में ये फॉरेक्स, IFM, IRRM एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो एक ही उस हिसाब से मैंने रखा है। एंड लास्ट में फिर बाद में मैंने रखा है बिजनेस वैल्यूएशन एंड जो थियोरी चैप्टर्स है। अच्छा, आपको थियोरी चैप्टर्स के लिए मेरा लाइव रिविजन चाहिए रहेगा तो मुझे बताना। नेक्स्ट, ये अभी सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो उसके बाद में वैल्यूएशन, एडवांस कैपिटल वेस्टिंग, डेरिवेटिव्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एंड सिक्योरिटाइजेशन, इतना अगर आप लोग ने कर लिया ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसमें मेरा प्रॉपरली प्रैक्टिकल वाला और मेरा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वाला, ये 7 चैप्टर कर लिया ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं दैट यू आर फॉर श्योर कवरिंग 50 मार्क्स। कवरिंग मतलब क्या, 50 मार्क्स आ ही जाएगा एग्जाम में। ये टोटल आने वाला है इसमें से 75 मार्क्स का, और मुझे तो चाहिए आपको 75 में से 75 ही आए। बट बेयर मिनिमम पहले आदमी क्या सोचता है कि यार 40-50 मार्क तो हो जाए, फिर वो एग्जेम्पशन के ऊपर फोकस करता है, फिर 70+ एंड ऑल दैट, राइट? सो ये 7 चैप्टर्स ढंग से कर लो इसी सीक्वेंस में, ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। बहुत लॉजिकली मैं ये सीक्वेंस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। फिर बाद में आ जाता है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है तो ये टाइम आने का चांसेस है, कोई बोल नहीं सकते भाई, 0 मार्क के लिए भी आ सकता है वापस से, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। बट चांसेस अब बढ़ गया है ना फॉरेक्स का, तो उसको इधर बीच में घुसा दो। स्टार्टिंग में नहीं घुसाया मैंने, क्यों स्टार्टिंग में नहीं डाला है उसको फॉरेक्स को, इवन दो मुझे लग रहा है आने वाला है, बिकॉज अगर फॉरेक्स में अटके तो बहुत टाइम ले लेता है वो, तो इसके लिए पहले ये मेरा 50-60 मार्क्स का एक कॉन्फिडेंस आ गया ना, चल भाई अभी तो क्लियर तो हो ही गया, अब हीरो बनने का टाइम है, तब मैं फॉरेक्स लूंगा। IFM, IRRM इजी है, और फिर बाद में आ जाते हैं मेरे थियोरी चैप्टर्स। गॉट इट गाइस? सो प्लीज यूज दिस। ये मैंने 1.5 डेज का भी आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी यहां पे बना दिया है, तो अगर आपको एग्जाम के पहले 2 बार भी रिवाइज करना है ना गाइस, देन यू कैन फॉलो दिस, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल गाइस। क्या बोलते हो, सही है ना? तो कुछ कुछ मेहनत के साथ आप लोगों के साथ मैं ये जो भी डिस्कशंस कर रहा हूं, प्लीज यूज इट केयरफुली। अब एग्जाम डे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ऑलरेडी अपन लोग ने प्रॉपर वीडियोस बना दिया है, आप लोग क्लिक करके कभी भी लेक्चर्स देख सकते हो। थैंक यू सो मच इंडिया फॉर द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। बट रुकना नहीं है अपने को, वी विल हैव टू कीप ऑन रनिंग टूवर्ड्स आर गोल ऑफ सिक्योरिंग 80+। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंडेक्स बना लिया है हर चैप्टर के पहले। जी हाँ, अभी से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने क्वेश्चन 1 लिया है, दैट इज ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल का ही होगा। अगर NA है तो ये मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन मेरे ऑप्टिमाइज में से ले लिया। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं होगा, उनके पास होगा ऑप्टिमाइज, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइज का मैंने यहाँ पे रेफरेंसिंग दे दिया है। तो अगर आप लोग को करना है तो ऑप्टिमाइज के ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं भाई हम लोग तो सर मॉड्यूल को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए यहाँ पे मॉड्यूल का रेफरेंस दे दिया, मतलब सेम क्वेश्चन जो मॉड्यूल में क्वेश्चन 5 पेज 5.33 पे है, सेम ऑप्टिमाइज बुक में मेरे क्वेश्चन 5 पेज 4.27 पे आपको मिल जाएगा, राइट? वो भी नहीं करना है देन इन दैट केस आपको ये PDF साथ में दे रहा हूं मैं, तो ये PDF से ही अगर आपको करना है तो ये भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट? यहां पे भी मैंने लिखी दिया ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस का रेफरेंस, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। सो ये इस हिसाब से आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। और आप कोई भी चैप्टर उठा लो, सबका मैंने यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया। अभी से फॉर एग्जाम्पल ये है चैप्टर कौन सा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गाइस। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अभी आप लोग देख लो, तो ये जो मैंने टॉप 18 क्वेश्चंस लिए है इसका लिस्ट आ गया यहाँ पे। So, ये एग्जाम डे के लिए आपकी चीज सॉर्टेड है। यू हैव द क्वेश्चंस, यू हैव द आंसर्स, यू हैव द वीडियोस रिलेटिंग टू द क्वेश्चंस। सब वीडियोस के नीचे टाइम स्टैम्प्स भी हमने डाल दिए हैं, सो यू कैन जस्ट रिफर द टाइम स्टैम्प्स एंड यू हैव इट। एंड आपके लिए मॉड्यूल का रेफरेंसिंग दे दिया है, सो इन केस यू डोंट हैव ऑप्टिमाइज तो मॉड्यूल है ऑप्टिमाइज्ड है, देन इन दैट केस ऑप्टिमाइज बाय डिफॉल्ट तो मॉड्यूल को कवर करता ही करता है, तो आपको फिर बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके गाइस, चल तो ये हो गया एक आप लोगों के लिए चीज। हाँ, अभी जैसे कल एक म्यूचुअल फंड चैप्टर है जहां पे इंस्टीट्यूट ने बहुत कम क्वेश्चन दिया है मेरे हिसाब से, तो वो कुछ क्वेश्चन मैंने एडिशनली लिया है, तो यहाँ पे आपको NA दिखेगा क्योंकि मॉड्यूल में वो क्वेश्चन नहीं है, तो वो मैंने एडिशनली ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज में लिया एज अ प्रैक्टिस, तो ये तुम लोग के पास PDF के थ्रू मिल जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर बाद में आ जाते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस। तो चैप्टर वाइज जो मुझे लग रहा है ये बार एग्जाम में आने के चांसेस है,
वो मैंने यहाँ पे चीजें डाल दी है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट या इक्वलाइजेशन का सम आ सकता है, साइड पॉकेटिंग से रिलेटेड, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क का, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एग्जाम में आना ही चाहिए, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एग्जाम में आना ही चाहिए। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है। देनू, मेरे हिसाब से बॉन्ड रिफंडिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछना ही चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेंसिटिविटी या डिसीजन ट्री में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा फॉर श्योर। यहाँ पे टोकनाइजेशन है, फॉरेक्स में तो कुछ भी आएगा करके आएंगे। मेरे हिसाब से फॉरेन बैंक अकाउंटिंग वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, IFM में नॉमिनल रियल कैश फ्लो से रिलेटेड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये सारी चीजें मैंने जो इंपॉर्टेंस वाली है वो दे दी है। एग्जाम के पहले आपको ये देखकर जाना ही जाना है। तो अभी से अगर आपको अपने रिविजन स्ट्रेटेजी में इसको इनकॉर्पोरेट करना है, दैट विल रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। प्लस ये जो आपके पास PDF है, इसमें आपको जो भी चीज चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल आपको ओनली थियोरी चैप्टर्स देखना है, आपको खाली उधर क्लिक करना है, ये जो दिखा ना स्कैन और क्लिक हियर, तो आपने खाली इधर अगर क्लिक भी कर दिया ना, हो जाएगा आपको सीधा वो लेक्चर के ऊपर ही आपके वो प्लेलिस्ट पे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलाज वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक रिवीजन है, श्योर शॉट सक्सेस है, छोटे छोटे जो क्विक कॉन्सेप्ट मैंने डाले हैं डालते रहूंगा। तो ऑल ऑफ दिस इज देयर। सो मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल था मैंने सब आप लोगों को दे दिया है। नाउ टाइम इज योर, प्लीज एंश्योर दैट आप लोग मेहनत करके इसको अच्छी तरह से एग्जाम को क्लियर कर रहे हो सिस्टमैटिकली। अच्छा, और एक चीज, इन केस आप लोग खाली एक ही ग्रुप दे रहे हो, देन तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा गाइज, प्लीज टेस्ट दे देना, ठीक है ना। webuk.in पे जाओगे तुम लोग को टेस्ट सीरीज का सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल टेस्ट रखा है हम लोग ने, अनशेड्यूल्ड देना है अनशेड्यूल्ड टेस्ट दे दो, बट एटलीस्ट एक या दो टेस्ट दे दो। देखो राइटिंग प्रैक्टिस का ही पूरा गेम है। आई हैव सीन सो मेनी पेपर्स ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने में गलती हो गया। तो ये गलती क्यों हुआ? क्योंकि अपना प्रैक्टिस कहीं ना कहीं रह गए थे। एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर म्यूचुअल फंड्स जो तो एकदम मेरा ब्रेड एंड बटर था, एकदम इजी अच्छी तरह से आता है, क्वेश्चन भी इजी था, उसमें गलती हो गया। क्यों गलती हुआ ये? बिकॉज द राइटिंग प्रैक्टिस वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। बिकॉज यहाँ पे आप ये राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे गलती करो, सो दैट आपको एग्जाम में ध्यान आ जाएगा दैट यस वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो मैं ना लिंक में आप लोगों के साथ ये या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर देता हूँ और टेस्ट का लिंक भी दे देता हूँ। कैप्ट इट एट अ वेरी वेरी बोलते हैं ना एकदम मीगर प्राइस। आप जैसे ही ये पेपर लोगे ऑन द स्पॉट पेपर मिल जाएगा, एंड जैसे ही आप पेपर लिखोगे विद इन 2 to 3 days आपको पेपर चेक होके भी मिल जाएगा विद ऑल द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन। एक दे ही देना, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का आप देना, आप इंस्टीट्यूट का दे दो, बट वो चेकिंग हो पाता है नहीं होता है पता आइडिया नहीं है मुझे, बट इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दे दो, इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर देखो दे दो, उससे चेक करवा लो किसी से अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्लीज गेट दैट डन सो दैट जो भी अपना मिस्टेक्स है वो अपने को पहले से पता रहे। सो अभी लास्ट 30 days है, थिंग्स टू डू, ऑलवेज कीप द नेक्स्ट डेज प्लान रेडी। अब आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट वेस्ट एनीथिंग। सो सोने से पहले नेक्स्ट डे 12 hours में क्या करना है आपको पहले से पता होना चाहिए। जी हाँ, सुबह उठने के बाद सोचोगे आज सुबह अभी थ्योरी करता हूं, आज प्रैक्टिकल करता हूं, ऐसे नहीं चलेगा। सिस्टमैटिक अब होने का टाइम आ गया। अब तक अपन लोग थोड़ा हल्के में लेते थे, चलता था, बट नाउ इट्स जस्ट 30 days, 1 month लेफ्ट। बैकलॉग अब नहीं चलेगा, कीप लो एज पॉसिबल, बिकॉज अब जो बैकलॉग लगा वो बैकलॉग ही रह जाएगा। दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट अभी अपनी बात हुई, यूज कैजेन अप्रोच, ये मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आया हूं, नहीं बनना है अपने को हीरो। अब अगले दिन का टाइम टेबल रात को सोने के पहले निकाल लो, बिकॉज अगर नेक्स्ट डे उठे और तब टाइम टेबल बनाने जाओगे ना तो एंग्जाइटी में बनेगा नहीं और टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा रात को बना लो, नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है यू नो व्हाट आर योर टाइमिंग्स, 3-3 घंटे का स्लॉट रखो, एंश्योर दोस 3 hours आर डन एंड वी मूव ऑन। थ्योरी प्रैक्टिकल श्योर शॉट सक्सेस विद AFM सब चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। डू नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन, डू नॉट। बोथ ग्रुप्स अगर आप दे रहे हो आपके पास मैजिक बुक होना चाहिए गाइज, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिवाइज द एग्जाम द सब्जेक्ट इन 1.5 days। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, हो सके जब रिवाइज कर रहे हो तो समरी बनाते रहना क्वेश्चन का, आंसर द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने ये बार के पेपर्स देखे हैं, आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लैंग्वेज में लिखो, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट एक सिस्टम से तो आपको जाना पड़ेगा ना। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर राइटिंग द टेस्ट।
रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन समझ लो, ऐसा ना हो पूछा ए है आप जवाब बी का दे रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। डेवलप राइटिंग हैबिट, स्टॉप ऑडिटिंग स्टार्ट राइटिंग, रिफर मैजिक बुक जो मैं आपको बोल चुका हूं, एटलीस्ट एक टेस्ट दे देना मेन एग्जाम के पहले। सो आई थिंक मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड चैप्टर वाइज वेटेज मैंने आपको बता दिया है, रिवीजन लेक्चर का अपने पास अपडेट्स रेडी है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एक्सप्लेनेशंस वाला भी रिवीजन लेक्चर रेडी है, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी जो आपको वो 1.5 डेज में करना है ना वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है गाइज। सो अब एक ही चीज है एंड दैट इज शियर शॉर्ट फोकस। थैंक यू सो मच फॉर द 15 मिनट्स दैट यू हैव गिवन मी, ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। और इसके अलावा अब आपको और कुछ भी मेरी तरफ से चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डेफिनेटली गिव इट फॉर श्योर टू ईच वन ऑफ यू। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब प्लीज अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे थॉट्स रखो एंड अच्छे लोगों के साथ रहो, बिकॉज दिस इज द मेक और ब्रेक टाइम, ठीक है। अभी पॉजिटिविटी रखो, अभी फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल्स चालू हो रहे हैं तो मन करेगा फेस्टिवल में जाने का, अगर जाना भी है तो जाओ बट कम टाइम के लिए। से अगर आपको लग रहा है कि भाई चलो मैं हाफ एन आवर टू वन आवर एक स्पेयर निकाल सकता हूं, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पहले से अपने शेड्यूल में डाल दो, अदरवाइज जाने के वक्त गिल्ट फील होगा, आने के वक्त गिल्ट फील होगा, आपके शेड्यूल में ही है तो आप वो शेड्यूल टू शेड्यूल अगर फॉलो करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट। सो स्टे पॉजिटिव। अब दोनों टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा कि बस अब एग्जाम हो जाए मैं क्लियर कर लूंगा, कभी कभी इतना लो फीलिंग आ जाता है कि लगता है कि यार मैं दू क्या एग्जाम, हो पाएगा क्या मेरे से। सो ये फेजेस आते हैं एंड ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट फाइट इट ऑल ऑफ इट बाय आवरसेल्फ। जितना पढ़ेंगे उतना मंजिल के करीब आएंगे, उतना बस ध्यान में रखना। टेक केयर, बहुत ज्यादा लोगों से डिस्कशन नहीं करना, एक दो अपने फ्रेंड्स रखो अपने पास में जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा पंचायती मत करना, अरे तेरा कितना हुआ, मेरा इतना हुआ, ये हो गया क्या, ये किया क्या, अब जितना किया है अच्छा किया है, लेट्स नाउ फोकस ऑन रिवाइजिंग थिंग्स रादर देन डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी और न्यू, ठीक है। चलो टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।